हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं फर्स्ट एपिसोड के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट करके उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। फ्रेंड, इसमें हम कुछ नए कैरेक्टर से भी मिलने वाले हैं, डॉक्टर पर्थ, पेच और फू। कहानी के स्टार्ट में हमें दो लड़कियों को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है। वो अपने फ्रेंड से कहती है कि जब फू आए तो वो उसे धक्का दे दे। उसकी फ्रेंड बिल्कुल वैसा ही करती है। दूर खड़ा काओ भी ये सब देख रहा होता है। फू को ये पसंद नहीं आता और उसे वो दोबारा धक्का दे देता है। फिर आगे हम देखते हैं कि फू के पीछे कुछ बदमाश पड़ जाते हैं। यहाँ फू और उन बदमाशों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। दूर खड़ा काओ छिपकर ये सब कुछ देख रहा होता है। वो फू को बचाने के लिए पास में रखे हुए डस्टबिन को लेकर दौड़ कर आता है। फिर वो दोनों वहाँ से कैसे भी भाग जाते हैं और एक जगह छुप जाते हैं। काओ फू से पूछता है कि क्या तुम सिंगल हो, क्योंकि मैंने तुम्हारा वॉलेट चेक किया, उसमें किसी की फ़ोटो नहीं थी। फू कुछ नहीं बोलता। काओ कहता है कि इसका मतलब तुम सिंगल हो, तो क्या हम रिलेशनशिप में आ सकते हैं। ये बात सुनकर फू जाने लगता है। काओ उसे रोककर उसका वॉलेट दे देता है। लेकिन हम यहाँ एक चीज़ नोटिस करते हैं कि काओ फू का आईडी अपने पास निकाल कर रख चुका होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काओ अपनी मॉम को फ़ोन लगाता है और उन्हें फू के बारे में बताता है। आगे हमें कैफ़े का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई ऑर्डर को लेकर जाने की तैयारी कर रहा होता है। किम उसे सारा सामान दे देती है। फिर हम डॉक्टर पर्थ और डॉक्टर पिच को कैफे में आते हुए देखते हैं। किम हमेशा लाइव स्ट्रीम में उनको दिखाती रहती है, इसलिए जब डॉक्टर पर्थ को डॉक्टर पिच केक खिलाता है तो वो चिल्लाने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई ऑर्डर को लेकर यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, जहां पर सभी कंटेस्टेंट अपना रिहर्सल कर रहे होते हैं। कोई सबको स्नैक्स दे देता है। सबको स्नैक्स देने के बाद वो लास्ट में सोलो के पास आता है और सोलो को उसका स्नैक्स और वॉर्म मिल्क दे देता है। गुई कहता है कि वॉर्म मिल्क मेन्यू में नहीं था, पर ये तुम्हारे लिए स्पेशल है। इसके बाद हम काओ को उसके फ्रेंड के साथ लंच करते हुए देखते हैं। फिर काओ अचानक फू को देखता है और दौड़कर उसके पास चला जाता है। जब फू उसे देखता है तो कहता है कि तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। काओ उसे बताता है कि उसने फू की आईडी पर उसका नाम देखा था। फू कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। काओ कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। फू उससे कहता है कि वो उसका पीछा ना करे, पर काओ कहता है कि वो हार नहीं मानेगा। इसके बाद हमें सोलो और गुई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोलो गुई को थैंक्स बोलता है। सोलो के जाने के बाद गुई के पास गुई का फ्रेंड आता है और वो उसे सोलो से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि सोलो के पास कोई नहीं जाता। इसके बाद हम सोलो और काओ के बीच के कन्वर्सेशन का सीन देखते हैं, जहां सोलो काओ से पूछता है कि वो फू को कैसे जानता है। काओ उसे बताता है कि वो फू को लाइक करता है। सोलो कहता है कि तुम जैसा सोचते हो वो वैसा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट सीन में किम अपने फ़ोन में फ़ोटो दिखाते हुए गुई से पूछती है कि क्या तुम और सोलो के बीच कुछ चल रहा है। गुई इनकार कर देता है। किम बोलती है कि तुम अगली बार उससे मिलना तो मेरे लिए फ़ोटो लेना। आगे हमें डॉक्टर पर्थ और डॉक्टर पेच के बीच का सीन देखने को मिलता है, जिन्हें दो नर्स छुपकर देख रही होती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है डॉक्टर पर्थ और डॉक्टर पेच रिलेशनशिप में है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। फ्रेंड्स, डॉक्टर पर्थ डॉक्टर पेच को लाइक करते हैं, पर वो कभी इस बात को रिवील नहीं करते हैं। इसलिए जब डॉक्टर पेच डॉक्टर पर्थ के क्लोज आता है तो वो ब्लश करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुई कैफे में बैठकर सोलो का वेट कर रहा होता है, इसलिए जब बेल बजती है तो वो पीछे मुड़कर देखता है, पर उनकी जगह पे कोई और होता है। सोलो रिहर्सल के बाद तुरंत घर चला जाता है। वहाँ पर खड़ी उसकी सीनियर पूछती है कि सोलो कहाँ है, पर सोलो जा चुका होता है। आगे हम द बेडरूम नाम की एक बिल्डिंग को देखते हैं, जिसमें गुई रहता है। गुई अपने हाथ में मिल्क लेकर सोलो के बारे में सोचते हैं और इधर सोलो अपने घर में मिल्क को वार्म करके पी रहा होता है, पर उसे वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसे छोड़कर बाहर चला जाता है और कैफ़े के सामने बैठ जाता है। गुई जब उसे बाहर देखता है तो उसे लेकर कैफ़े के अंदर जाता है। गुई सोलो को डांटता है और उससे पूछता है कि वो बाहर क्या कर रहा था। सोलो बताता है कि उसने मिल्क को गर्म किया था पर उसे अच्छा नहीं लगा। गुई सोलो से पूछता है कि वो कितनी देर से बाहर था। सोलो झूठ बोलता है। वो कहता है कि वो थोड़ी देर पहले ही आया है, पर ऐसा नहीं था, वो बहुत पहले ही वहाँ आया होता है।
गुई सोलो से उसका नंबर मांगता है ताकि उसे जब आगे ज़रूरत हो तो डायरेक्ट उसे कॉल कर सके। सोलो उसे अपना नंबर दे देता है। फिर गुई उससे कहता है कि वो उसकी फ़ोटो लेना चाहता है। सोलो मान जाता है और फिर वो दोनों फ़ोटो लेते हैं। इसके बाद सोलो गुई को उसे छोड़ने जाता है। गुई किम को फ़ोटो सेंड कर देता है। इसके बाद किम गुई को कॉल करके बताती है कि उसने फ़ोटो को फेसबुक पे पोस्ट कर दिया है। गुई अपना फ़ोन चेक करता है। इसके बाद वो सोलो के बारे में सोचने लगता है, जब उन्होंने फ़ोटो लिया था तो सोलो ने उसे किस किया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सोलो सो रहा होता है और यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको पसंद आई होगी स्टोरी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।